अंतरिक्ष की दुनिया में एक और लंबी छलांग लगाने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब घड़ी में दोपहर 2:35 हो रहे होंगे, तब हम मिशन चंद्रयान के लॉन्चिंग के ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। मिशन चंद्रयान का सबसे बड़ा मकसद दुनिया को यह बताना है कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है और वहां अपना रोवर चला सकता है। इसका दूसरा मकसद चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता भी करना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी काफी उत्साहित हैं। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र किया और कहा कि फ्रांस में भी मिशन चंद्रयान की गूंज सुनाई दे रही है। आपका पसंदीदा चैनल GNT आपको दिन भर मिशन चंद्रयान की पल पल की अपडेट देगा। तकनीकी की दुनिया के एक्सपर्ट के जरिए इस मिशन से जुड़ी हर बात को डिटेल में बताएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग इसरो के वेबसाइट isro.government.in पर भी देखी जा सकती है। चलिए आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान लैंडर और रोवर से लैस है। GSLV Mark 3 रॉकेट इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाएगा। अगस्त महीने के अंत तक इसे चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है। पूरा हिंदुस्तान मिशन चंद्रयान 3 के रंग में रंग चुका है। इसका नजारा ओडिशा के पुरी में भी देखने को मिला, जहां सेंट आर्टिस्ट पटनायक ने रेत से उकेरी चंद्रयान की भव्य कलाकृति। उस कलाकृति की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अपनी कला के माध्यम से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मिशन चंद्रयान की सफलता की कामना की है और मिशन के लिए विजयी भव का संदेश दिया। पूरे हिंदुस्तान की नजर इस मिशन पर जा चुकी है। मिशन चंद्रयान का उत्साह राजस्थान के जयपुर में भी देखने को मिला। यहां एक आर्टिस्ट ने मिट्टी से चंद्रयान का एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल में चंद्रयान को ब्रह्मांड से गुजरता हुआ दिखाया गया है।